हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज स्टडी पोर्टल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ईवीएस के, जो कि प्राइमरी लेवल के क्लास तक के होते हैं और ये टीचिंग एग्ज़ाम्स में सीटेट, पीटेट, यूपीटेट और एचटेट के एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया था? तो किसने विभाजित किया था फ्रेंड्स? तो फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है कैरोलस लीनियस और तीसरा ऑप्शन है आर एच विक्टकर और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है चार्ल्स डार्विन। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है थर्ड, आर एच विक्टकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है और कौन तो ये बताना है। तो जो फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो है जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है और जो बी ऑप्शन है वो है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो इसमें से जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है थर्ड, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए पॉइंट है निपेथिन्स भारत में पाया जाने वाला पौधा है, बी पॉइंट है रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, सी पॉइंट है जल में भोजन भंडारण का कार्य होता है। तो इसमें से फ्रेंड जो सही आंसर है वो है ए, 1 पॉइंट ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है ये, और जो सेकंड ऑप्शन है वो है इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, तीसरा ऑप्शन है इसके तनों में से पानी निकाला जाता है, फोर्थ ऑप्शन है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो फ्रेंड्स ओक एक वृक्ष होता है जिसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ, इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये जो वृक्ष है ये किस प्रदेश में पाया जाता है? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मैदानी, दूसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय, तीसरा ऑप्शन है पर्वतीय और चौथा ऑप्शन है इनमें से कहीं नहीं। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है दूसरा, मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पौधे का वो भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है, उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है जड़, सेकंड ऑप्शन है तना, थर्ड ऑप्शन है पत्ती और चौथा ऑप्शन है जो फोर्थ ऑप्शन है वो है फूल। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है सेकंड, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, दूसरा ऑप्शन है जल के द्वारा जल का अवशोषण करना, तीसरा ऑप्शन है जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, चौथा ऑप्शन है फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है पहला, ये सबको ही पता होगा फ्रेंड्स, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है फ्रेंड्स वो बताना है हमने। तो फर्स्ट ऑप्शन है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है, सेकंड ऑप्शन है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है जिन पौधों में जकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है, जो फोर्थ ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागफनी जिसको कैक्टस भी बोलते हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर? पहला जो ऑप्शन है वो है तने में, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों में, तीसरा ऑप्शन है दोनों में, चौथा ऑप्शन है कांटों में। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है पहला, तने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा मेल नहीं खाता है? तो फर्स्ट जो जगह पे दिया गया है वो है पौधे के भाग हैं और दूसरी तरफ उनके काम हैं। तो जो पहला है वो है जड़, तो जड़ जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण, तना जल व खनिज को पत्ती में पहुंचाना, फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। इसमें से जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो है फ्रेंड्स थर्ड, फूल, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है हमने। तो ए ऑप्शन है वो है फल,
दूसरा सब्जियां, तीसरा अनाज और चौथा मसाला। तो ये क्या क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है, इसका जो ऑप्शन है उसके हिसाब से मेरा फ्रेंड बताना है कि सुमेलित कैसे किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेकंड, ए का जो होता है वो है काजू ऑप्शन, और जो जो बी का है वो है फर्स्ट वाला, और जो सी का है वो है थर्ड वाला, और जो डी है उसका फोर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है, तो इनमें से कौन सा वृक्ष नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पीपल, सेकंड ऑप्शन है सुंदरी, थर्ड ऑप्शन है कीकर, और फोर्थ ऑप्शन है केला। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स वो है फोर्थ, केला। केला वृक्ष नहीं होता है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है बाष्पीकरण, थर्ड ऑप्शन है संघनन, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है परागण। इसको कहते हैं फ्रेंड्स फोर्थ, परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सुमेल नहीं करता है? तो शाख और मेथी है, झाड़ी और गुलाब है, वृक्ष और कीकर है, लता और धनिया है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फोर्थ, लता और धनिया। पौधों में से गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो वो कैसे होता है फ्रेंड्स, पहला है जड़ों के द्वारा, दूसरा है तने के द्वारा, तीसरा है फूलों के द्वारा, और चौथा है पत्तियों के द्वारा। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फोर्थ, पत्तियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? इसके जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑक्सीजन पहला, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है जलवाष्प। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन है, ए पॉइंट है लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। बी जो पॉइंट है वो है केला, कद्दू और तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फोर्थ वाला ऑप्शन, ए बी सी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट बक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो कौन सा नहीं होता फ्रेंड्स, फर्स्ट है नाइट्रोजन, सेकंड है कार्बन, तीसरा है सल्फर, फोर्थ है पोटेशियम। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वाला, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका निर्माण अंडाशय में होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, यह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स, पहला जो ऑप्शन है वो है फल, दूसरा है फूल, तीसरा है बीज, चौथा है बीजांड। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है फर्स्ट वाला, फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है। बी पॉइंट है यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती है। जो सी पॉइंट है वो है अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण हैं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स फोर्थ, ए बी और सी, मतलब तीनों ही सही हैं। तो ये थे फ्रेंड्स ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्राइमरी लेवल तक के होते हैं, और ये सीटेट, पीटेट, यूपीटेट, एचटेट कोई भी टेट का पेपर हो उसमें आते हैं, और कुछ एग्ज़ाम टीचिंग एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको जरूर कर लेना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कर देना ताकि मैं और भी ज़्यादा आपको क्वेश्चन बताता रहूं। और मैं फ्रेंड्स बता दूं कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही अपनी वीडियो में डालता हूं ताकि सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो सके, चाहे वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।